झील का व्यू, डोबरा चाटी और बर्फ़ के पहाड़। चलो साउंड चेक करें सर, इंश्योरेंस है फर्स्ट पार्टी का। ये देखो गाइस, एक्सीडेंट हो रखा है यहाँ पे, वो भी अब मुझे याद नहीं है। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं गांव से, ये सामने गांव, ये हमारी एंटार्क। गांव को टाटा बाय बाय करते हुए अब मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। यहाँ पे ढलानी ढलान है, आते हुए यहाँ पे चढ़ाई थी मेरे लिए, अब जाते हुए ढलान हो रही है। ये देखो एक एंटार्क निकली अभी, थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं। सो यहाँ से थोड़ा न्यूट्रल है तो मैंने इसलिए इंजन ऑफ कर दिया है, थोड़ा न्यूट्रल चलते हैं। बिल्कुल फीलिंग आती है ईवी वाली, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में चल रहे हो, क्योंकि इंजन का शोर आता नहीं है और आप जानते हो एंटॉर्क का शोर बहुत ज़्यादा है, इसका एग्जॉस्ट साउंड एक्टिवा से ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा सा जब तक न्यूट्रल है तब तक आराम से चलते हैं। यहाँ देख रहे हो न्यूट्रल में भी 50-51 की स्पीड आ रही है अच्छी खासी। और ये नई नई रोड है, पीछे देखा आपने कतार गोल गिरा हुआ था रोड पर, अच्छा मैंने देख लिया जल्दी, वरना मुझे लग रहा था पानी है दूर से, बल्कि अभी ये नई रोड बनी रही है। ये गांव जाता है पल्याण गांव, उसके ऊपर ले रास्ता है जहाँ पे वहाँ पे पूरा ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं, जैसे पानी के धारा आते हैं तो रोड पे पानी ना आए इसलिए नीचे ब्लॉक्स रखे जाते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे झील यहाँ से दिखती रहती है। और देखो ऋषिकेश का दिखाता हूँ मैं, 82 किलोमीटर है यहाँ से, नरेंद्र नगर 66 किलोमीटर है, चंबा 20। मज़ा आया। और मैं ये जो 3 किलोमीटर है, होप करता हूँ आधे घंटे में चंबा पहुँच जाऊँ और एक घंटे में ऋषिकेश, तो उस हिसाब से अभी 11:30 बज रहे हैं तो 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं। माय गॉड क्या व्यू आ रहा सामने का, देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर, मन कर रहा बार बार रुकते रहूँ। यहाँ पे नीचे गांव भी हैं काफ़ी सारे के नाम मेरे को नहीं मालूम। ये देखो डोबरा चाटी, और वो दिख रहा होगा आपको टिहरी झील का व्यू, एज यू कैन सी डोबरा चाटी और बर्फ़ के पहाड़।
देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ज़्यादा। पूरी झील झील दिख रही है यहाँ से, पूरी की पूरी, वो आगे तक। और पीछे शीशे में देखिए, यहाँ पे ऑल वेदर रोड का काम अभी हुआ नहीं है, यानी रुका हुआ है यहाँ पे काम। देखो चंबा पर दिख रहा है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। इधर भी है, ओ जेसीबी देखो कैसे चढ़ रही है ऊपर। ये देखो एक घर दिखाऊं आपको, कहाँ पे टिका हुआ है घर, जस्ट उसके बगल में पूरी खाई खाई। ये देखो कितने सारे गांव है इधर, है जो मनाली की तरह है। ये देखिए चंबा टनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। चलो साउंड चेक करें, टनल हो चुका है पूरा। बस स्टॉप दिखौल गांव, ये दिखौल गांव है जो इधर राइट हैंड पे जो रास्ता जा रहा है। और देखो जो चंबा का मेन रोड है वो यहाँ से जा रहा है, और मैं मेन रोड में आ चुका हूँ चंबा की। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे, यहाँ पे चेकिंग होती रहती है। और ये देखो पुलिस वाले ने रोक दिया मेरे को, सारी डॉक्यूमेंट है। यूके जरिए से कैसा लगा मेरा मजाक? यूके 14 जी 5603 जी 5603 5603 3 हाँ जी जी सर सिल्सवाल सर। ये मारो मुझे नहीं, सर इंश्योरेंस है फर्स्ट पार्टी का करा रखा सर, ये पॉल्यूशन हो गया, बाकी ये थर्ड पार्टी का भी रखा है और फर्स्ट पार्टी का भी करा रखा है सर। ऑनलाइन सर ऑनलाइन ही करवाया था, वैसे मैंने जो इशू कराया था ना दिल्ली, मैं यहीं से ऋषिकेश से करवाया मैंने दिल्ली से, तो उसका प्रिंटआउट निकालता फिर मैंने यहाँ ऋषिकेश में। इसको ना ये कहाँ से कराया था सर? दिल्ली से, ये मेरे जानने वाले रिश्तेदार तो उनसे करवाया था मैंने। जी सर डिजी लॉकर में, ठीक है सर। अच्छा सर, सर पहले मैंने चढ़ाया था जो पुराना पिछले साल का था, फिर इस साल में इस ये वक्त। थैंक यू सर। गाइस पुलिस सर ने मुझे रोक लिया था और गाड़ी के कागज पूछ रहे थे। उन्होंने मुझे रोका और मैं रुक गया था, बाकी मेरे डॉक्यूमेंट पूरे थे, बस वो कह रहे हैं ऑनलाइन नहीं चढ़ा है। ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन क्यों नहीं चढ़ा है, पर देखो डिजी लॉकर में मैं वेरीफाई कर लूँगा उसको, तो फिर मैं फ़ोन से दिखाऊँगा। फ़ोन से मैं इसलिए नहीं निकाला क्योंकि फ़ोन मेरा ब्लॉग बन रहा था, कोई इशू होता तो वीडियो बन रही थी, कोई टेंशन नहीं थी। बाकी उन्होंने सपोर्ट करा, उन्होंने कहा देखो आपके कागज़ वगैरह सब ठीक है,
और फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। गाइज अगर कभी भी आप इधर की साइड आओगे नागनी की साइड ना, तो बी श्योर कि आपने हेलमेट पहना हो, आपके कागज एकदम सही हो और कंप्लीट हो। क्योंकि वो देखा आपने ऑनलाइन चेक कर रहे थे, वो मैंने उनसे इसलिए पूछा, मैंने कहा आप ऑनलाइन चेक करते हो, बोले हाँ, मैंने कहा तो बहुत अच्छा। ये देखो गाइस एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे। अब मैं नरेंद्र नगर पहुँचने वाला हूँ। वैसे जगह कहते हैं नरेंद्र नगर ही है, लेकिन जो मेन नरेंद्र नगर है वो थोड़ा नीचे है, नरेंद्र नगर का मार्केट के। यहाँ की एक अच्छी बात है, देखो मेन जो दुकान है यहाँ पे सेम एकदम एक जैसी हैं, क्योंकि ये कुछ पहले हुआ करता था शायद धर्मशाला या कुछ और, मेरे को भी आइडिया नहीं है, पर मैंने बस ऐसे सुना था, वो भी अब मुझे याद नहीं है। ये देखो ऋषिकेश गंगा नदी दिख रही है, वो रही सामने, वो जानकी सेतु भी दिख रहा है यहाँ से। काली मंदिर आने वाला है, मुनिगिरी रेती, उसके बाद अपना घर आएगा। बस अब घर जाके थोड़ा फ्रेश होना है मुझे, उसके बाद सीधे ड्यूटी जाना है जॉब पे। मैं इस ब्लॉग को एंड यहीं पर कर रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, बाकी मैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें। हाँ आएगा आप शाम को या कल सुबह? हाँ माँ जी प्रणाम। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।